हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़ TS पॉलिटिक पॉलीसेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया गया। एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ पर जाकर के फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को क्या कैसे प्रोसीजर क्या फिल करने के, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया TS पॉलीसेट के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, आपको यहाँ पर क्या क्या करने होते हैं, कैसे करने होते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउज़र ओपन करनी है google.com, एंड वहाँ पर टाइप करके सर्च करनी है। वहाँ पर एक चीज़ नहीं भूलना, आपको यहाँ पर IAS पर लिखना है, उसके बिना नहीं मिलने वाला। सर्च करना है और यहाँ पर जैसे सर्च करते हैं उसके बाद ये फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर देना, एंड आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को आपकी जो वो स्टार्टेड यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, रिलीज़ कर दिया गया ऑफिशियली बाय दी 10th May 2022 को। तो ओके, तो हाँ, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया गया उसके लिए यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन रिलीज ऑन 10th May 2022, क्लिक हियर टू एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल चेक करते हैं। तो यहाँ पर जैसा क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर न्यू टैब में ओपन होंगे, स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो जब यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं तो आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तेलंगाना पुलिस टेक्निक कॉमनिटा से जिसका ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आपको पूरा पूरा का पेज यहाँ पर जो भी ऑफिशियली वादी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ऑनलाइन पेमेंट है या फील एप्लीकेशन है। तो जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, ये स्टेप है तो फॉलो करना होगा। पहला स्टेप है आपको फील एप्लीकेशन फॉर्म, तो ठीक है हम फील एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं पहले, फिर उसके बाद फ़ोटो अपलोड्स करने होंगे, फिर पेमेंट करने होंगे, फिर बस हॉल टिकट आपको मिल जाएगा, बाद में आप ले सकते हैं ऐसा। तो पहला है आपका 10th एग्ज़ाम, तो जैसे कि आपका 10th एग्ज़ाम बोर्ड कौन सा था, जैसे कि आप CBSE बता सकते हैं, आपकी जो भी बोर्ड वगैरह एग्ज़ाम थी ना, CBSE थी या फिर ICSE थी या फिर NIOS, बहुत सारे जो भी इनमें से होंगे। तो आप, मैंने स्टेट बोर्ड्स वगैरह दिए थे, तो यहाँ पर स्टेट बोर्ड से SSC, और यहाँ पर बताऊँगा 10th एग्ज़ाम हॉल टिकट नंबर, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मेरा क्या है, 10th का पासिंग अपेयरिंग बताऊँगा 2010 में किया था, सिर्फ ईयर बताना होता है। और यहाँ पर EWS कैटेगरी से अगर बिलोंग करता तो यहाँ पर कर सकता हूँ, बाकी ये तो ऑप्शनल है, सेकंड वाला भी ऑप्शनल ही है। आधार कार्ड नंबर चाहिए और यहाँ पर ये भी ऑप्शनल ही है। आधार कार्ड नंबर देने के बाद हम शो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। ओके, ठीक है, फिर आप सेकंड स्टेप पे जब आएंगे ना, अपलोड करके फ़ोटो सिर्फ अपलोड करना होता, सिग्नेचर अपलोड करना होता। उसके बाद आप आएंगे पेमेंट ऑप्शन पे, जहाँ पर आप पेमेंट करने जाएंगे, तो उसके बाद पेमेंट करते समय आपको क्या पूछा जाएगा, आपका एग्ज़ाम 10th क्लास का एग्ज़ाम बताना होता है, हॉल टिकट नंबर बतानी है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, और कौन सी ईयर में पास किया था वो बतानी है। बताने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, बिल्डेक से करना चाहेंगे या फिर वॉलेट जो भी आपके पास है, तो दो ऑप्शन है, जिससे भी चाहें उसे करें। और फेस पे फी ऑनलाइन जिस पर क्लिक करके कर सकते हैं आप पेमेंट, और करने के बाद आप अपना क्या कर सकते हैं, आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, जो यहाँ पर बाद में हॉल टिकट आपको बता, जब भी रिलीज़ होगा तो हॉल टिकट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से सभी प्रोसेस को कंप्लीट करनी है। अगर आपको डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया हुआ है, क्लिक करके आप चेक करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।